नमस्कार दोस्तों, हेलो स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम वॉइस के क्वेश्चंस बनाएंगे। एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस कैसे बनाएं? मेथड का नाम है बिलियर्ड्स मेथड, जो कि मेरे ही द्वारा बनाया गया एक आसान सा रूल है, और इसके ज़रिए हम सारे सवालों को बना सकते हैं। आइए हम इसे देखते हैं और समझते हैं। वॉइस बनाने से पहले कुछ बातें जो हमें ध्यान में रखनी है, बहुत आसान है, तो मैंने कुछ यहाँ पॉइंट्स लिखे हैं कि पैसिव वॉइस में होता क्या है। तो पैसिव वॉइस में सबसे पहले V3 का इस्तेमाल होता है, और किसी भी वर्ब का नहीं, किस तौर पर, मेन वर्ब के तौर पर। आप यहाँ लिखा देख ही रहे हैं, और V3 से पहले बी फॉर्म का इस्तेमाल होता है, ठीक है। अब जानेंगे कि बी फॉर्म्स क्या क्या होते हैं। तो देखिए, नीचे लिखा है इज एम आर प्रेजेंट टाइम के लिए, वॉज वर पास्ट टाइम के लिए, और बी बीन बीइंग, जिसमें कि बी V1 है, बीन V3 है, और बीइंग V4 है। क्योंकि V4 में ING लगता है, इसलिए यह V4 है। हम EN का इस्तेमाल देखते हैं V3 में, इसलिए बीन V3 है। तो पैसिव वॉइस की पहचान क्या है? बी फॉर्म प्लस V3। बस ये एक सिंपल सी बात याद रखनी है, और मैं आपको बिलियर्ड्स मेथड से आसानी से सारे वॉइस बनाना सिखा दूंगा। सिर्फ एक मेथड है, और आप किसी भी सवाल को बना सकते हैं। थोड़ा धैर्य रखिए और निश्चित तौर पर आप समझ जाएंगे। यानी पैसिव वॉइस की खूबसूरती क्या है? बी फॉर्म प्लस V3। पैसिव वॉइस की पहचान क्या है? बी फॉर्म प्लस V3, जैसे कहना चाहें आप। पैसिव वॉइस की आत्मा क्या है? व्हाट इज़ द ब्यूटी, व्हाट इज़ द सोल अ पैसिव वॉइस, बी फॉर्म प्लस V3। तो मैंने नीचे फिर इलैबोरेट किया है कि बी फॉर्म्स अगर V1 से V5 तक देखें तो क्या क्या होते हैं। तो बी खुद V1 है, और इसका स्पेशल फॉर्म R है, बी जनरल फॉर्म है। इसका V2 वॉज वर, बी का V3 दैट इज बीन, बी का V4 बीइंग, और बी का V5 इज एम। V1 हमेशा प्लूरल होता है, इसीलिए देखिए R प्लूरल वर्ब है, जो V1 के नीचे लिखा है। V5 हमेशा सिंगुलर होता है, इसीलिए देखिए इज एम जो लिखा है, ये सिंगुलर वर्ब्स हैं, इसीलिए V5 के नीचे लिखे हैं। और इन्हीं के बाद, इन्हीं सारे वर्ब्स के बाद अगर V3 का इस्तेमाल हो जाता है तो यही है पैसिव वॉइस। दैट्स इट। यानी पैसिव वॉइस के लिए हमें बस इतनी ही बात याद रखनी है कि V3 से पहले या तो इज एम आर वॉज वर बी बीन बीइंग इनका इस्तेमाल हो जाए। और यहाँ जो V3 है वो मेन वर्ब होगा, या उसे ही आप मेन वर्ब को एक्शन वर्ब कहते हैं। आइए हम सवालों से समझते हैं कि बिलियर्ड्स मेथड कैसे कारगर है। बहुत इंटरेस्टिंग है, आप निश्चित तौर पर बहुत आसानी से समझ जाएंगे, और ऐसे रूल से आपने आज तक वॉइस नहीं सीखा होगा। आइए इसे हम क्वेश्चंस के जरिए समझते हैं। जैसे अगर मैं लिखूं बर्ड्स बिल्ट नेस्ट्स, अब सबसे पहले बात क्या आती है कि एक्टिव वॉइस है ये सेंटेंस, करेक्ट, क्योंकि यहां पर बर्ड्स जो है ये सब्जेक्ट है। तो जिस सेंटेंस में सब्जेक्ट यानी एक्टर एक्टिव होता है, उस सेंटेंस का वॉइस भी एक्टिव होता है। तो यहाँ पर नेस्ट्स को बनाते हुए बर्ड्स एक्टिव दिख रही है, इसीलिए इस सेंटेंस का वॉइस है एक्टिव वॉइस। यानी अगर इंग्लिश के सेंटेंस में एक्टर एक्टिव होते हैं तो उस सेंटेंस का वॉइस एक्टिव होता है, यानी वॉइस भी एक्टिव होता है, ऐसा कहें।
तो हमें पता करना है ऑब्जेक्ट सबसे पहले। क्यों? क्योंकि अगर एक्टिव वॉइस के सेंटेंस में ऑब्जेक्ट मौजूद होता है तभी उसका पैसिव बनता है, और अगर एक्टिव वॉइस में ऑब्जेक्ट मौजूद नहीं होता है तो उसका पैसिव नहीं बनता है। तो हम समझते हैं कि हम आखिर कैसे ऑब्जेक्ट निकाल सकते हैं। सबसे पहले मेन वर्ब को चुनेंगे इंग्लिश के सेंटेंस में। अगर एक ही वर्ब का इस्तेमाल हुआ है तो वही मेन वर्ब है, और ऑब्जेक्ट जानने के लिए हमें मेन वर्ब से दो क्वेश्चंस करने होते हैं। पहला क्वेश्चन आप व्हाट करते हैं और दूसरा क्वेश्चन आप हुम करते हैं। व्हाट से आपको जवाब नॉन लिविंग थिंग का मिलता है और हुम से जवाब आपको लिविंग थिंग का मिलता है। व्हाट और हुम दोनों के जवाब मौजूद हो सकते हैं, या व्हाट या हुम इनमें से किसी एक का जवाब मौजूद हो सकता है सेंटेंस में, और व्हाट और हुम से जो भी जवाब आता है वही जवाब ऑब्जेक्ट कहलाता है। तो बर्ड्स बिल्ड, पक्षी बनाती हैं, क्या? व्हाट। तो व्हाट का जवाब यहाँ क्या आएगा? नेस्ट्स। तो व्हाट का जो भी जवाब आया वो ऑब्जेक्ट कहलाएगा। यानी हमने क्या देखा कि इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट मौजूद है। अगर सेंटेंस में ऑब्जेक्ट मौजूद है तो इसका अर्थ हुआ कि इसका पैसिव बनेगा, करेक्ट। होम का आंसर यहाँ पर एब्सेंट है, क्योंकि चिड़िया बनाती हैं, पक्षी बनाती हैं किसको? अब इंसान को तो बनाएंगे नहीं, इसलिए होम का जवाब लिविंग थिंग आना चाहिए जो कि यहाँ पर एब्सेंट है। नेस्ट्स नॉन लिविंग थिंग है, इसलिए व्हाट का ही जवाब ये हो सकता है। मैं इसे इरेज करता हूँ ताकि मैं आसानी से इसे लिख सकूँ। अब बिलियर्ड्स मेथड हमें समझना है। बिलियर्ड्स मेथड है क्या? मेन वर्ब को आपने चुन लिया, एक ही वर्ब अगर इंग्लिश के सेंटेंस में है तो वही मेन वर्ब है। बिलियर्ड्स मेथड अब बता रहा हूँ। बिलियर्ड्स एक प्रकार का खेल है, गेम है, आपने देखा भी होगा। रेक्टेंगुलर बोर्ड होता है, एक होल यहाँ होता है, दूसरा यहाँ, चारों कोनों पर चार होल्स होते हैं, करेक्ट, और बीच में भी दो होल्स होते हैं। हाँ, आप समझ चुके हैं, कुछ बॉल्स होते हैं बिखरे हुए और एक स्टिक होता है, इसको प्लेयर्स खेलते हैं और यही कहलाता है बिलियर्ड्स, या इसी को हम कहते हैं पूल। ओके, तो मैं इसका नाम बिलियर्ड्स क्यों रख रहा हूँ? क्योंकि बिलियर्ड्स के खेल में देखिए एक स्टिक की ज़रूरत पड़ती है, करेक्ट, और हम यहाँ भी स्टिक की ही ज़रूरत लेंगे, स्टिक का ही इस्तेमाल करेंगे। किस संदर्भ में? स्टिक का काम क्या होता है? किसी चीज़ को हिट करना। तो ध्यान रखें आप, अब मैं बिलियर्ड्स मेथड का डिस्कशन कर रहा हूँ। मेन वर्ब को हमेशा आपको हिट करना है, करेक्ट, हमेशा मेन वर्ब को ही हिट करना है बिलियर्ड्स की स्टिक से, ऐसा मानना है, और मेन वर्ब को हमेशा आपको वी थ्री में चेंज कर देना है। मेन वर्ब जब भी हिट होगा तो मेन वर्ब के नेचर में चेंज आ जाएगा, और चेंज आने के बाद ये हमेशा वी थ्री में चेंज होगा। और अभी आपने देखा था कि वी थ्री से पहले क्या होना चाहिए था? बी फॉर्म होना चाहिए था, यही है पैसिव, क्योंकि मेन वर्ब ही हमेशा वी थ्री बनेगा। जस्ट ऊपर के रूल देख लीजिए आप, तो वी थ्री तो हमने लिख ही दिया, इससे पहले क्या चाहिए हमें? बी फॉर्म चाहिए, यानी इस मेन वर्ब के नीचे हमेशा बी फॉर्म लिखना है और मेन वर्ब को हिट करके हमेशा वी थ्री में चेंज करना है, करेक्ट है। पहले हम पैसिव वॉइस यहाँ सॉल्व कर लेते हैं, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बनाना वो देख लेंगे बाद में। अब देखिए बिल्ड किस नेचर का है, तो बिल्ड है वी वन, और मुझे बताइए कि बी फॉर्म में वी वन कौन सा है, क्योंकि जिस नेचर का वर्ब ऊपर रहेगा, मेन वर्ब का नेचर जैसा होगा उसी नेचर का वर्ब बी फॉर्म भी होगा, ठीक है। नेचर जानने का अर्थ है कि मेन वर्ब वी वन है, वी टू है, वी थ्री है, वी फोर है या वी फाइव है, यही जानना होता है, बस सिंपल सी बात है। तो हमने देखा कि बिल्ड जो कि मेन वर्ब है वी वन है, तो मुझे भी बी फॉर्म का वी वन वाला ही फॉर्म नीचे लिखना है, यानी जिस नेचर का वर्ब उसी नेचर का उसके नीचे बी फॉर्म। तो बी फॉर्म का वी वन जनरली क्या होता है? बी होता है।
आर का इस्तेमाल नहीं करेंगे, यहाँ बात करेंगे इसकी। और हमने क्या देखा कि नेस्ट्स ऑब्जेक्ट है, बिल्ड वर्ब है और बर्ड्स सब्जेक्ट है। तो हम जानते हैं कि पैसिव वॉइस बनाने के लिए हमें क्या करना होता है, हमें ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना होता है, एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना होता है। तो आप एग्जैक्टली यहाँ पर लकीर डालिए और बहुत आसान है, सब्जेक्ट के नीचे सब्जेक्ट ही लिखिए। तो सब्जेक्ट के नीचे भी कौन सा सब्जेक्ट होगा, नेस्ट्स। एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बनता है, तो नेस्ट्स। अब बात आती है यहाँ पर एक वर्ब छूट रहा है जैसे, राइट, क्योंकि अभी हमने क्या देखा कि V1 के नीचे V1 लिख दिया और ये मेन वर्ब तो V3 बन गया, लेकिन कभी आपने ऐसा सेंटेंस देखा है, नहीं। तो होना क्या चाहिए था यहाँ पर, नेस्ट्स अब मैं यहाँ बताता हूँ कि आर होना चाहिए या बी होना चाहिए। पहले हमने क्या देखा कि हमने V1 के नीचे V1 वाला फॉर्म बी लिख दिया और अभी हमने कहा था कि यहाँ आर नहीं होगा, कारण कि आप इसकी ज़रूरत कब समझ पाएंगे, जब हम रॉन्ग सेंटेंस लिखकर आपको देंगे। तो नेस्ट्स बी बिल्ट, कभी ऐसा सेंटेंस सुना है आपने, नहीं। क्यों, ये वर्ब हमेशा किसी न किसी दूसरे वर्ब के बाद आएगा, इसलिए हमें यहाँ पर जनरल फॉर्म का इस्तेमाल नहीं करना होगा बल्कि स्पेशल फॉर्म का इस्तेमाल करना होगा, करेक्ट। इसलिए हम V1 के नीचे V1 का तो फॉर्म लिखेंगे बी का, लेकिन क्या लिखेंगे, यहाँ आर लिखेंगे। सो नेस्ट्स आर बिल्ट, अब आप एजेंसी दिखा सकते हैं, बिल्ट बाई बर्ड्स। बाई एक प्रेपोजिशन है और प्रेपोजिशन के बाद हमेशा ऑब्जेक्ट आता है, तो पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट कौन है, बर्ड्स, और पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट कौन है, नेस्ट्स। तो एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट नेस्ट्स है, हमने पैसिव में चेंज कर दिया इसको सब्जेक्ट बनाकर, और पैसिव वॉइस में हमने एक्टिव वॉइस के बर्ड्स को ऑब्जेक्ट बना दिया, और इस प्रकार से ये सॉल्व हो जाता है। हम दूसरे सवाल से इसको समझने की कोशिश करेंगे, बहुत आसान है, क्वेश्चंस आप लेते जाएंगे और समझते चले जाएंगे। एग्जाम्पल है, लता इज सिंगिंग अ सॉन्ग। हड़बड़ी करने की कोई आवश्यकता नहीं, आसानी से समझ जाएंगे। दिस सेंटेंस इज रिटन इन द एक्टिव वॉइस। सबसे पहले हम जानेंगे कि इसमें ऑब्जेक्ट है या नहीं है। अगर इसमें ऑब्जेक्ट मौजूद होगा तो इसका पैसिव बनेगा, ऑब्जेक्ट मौजूद नहीं होगा तो पैसिव नहीं बनेगा। अब समझिएगा बात, मैं बिल्कुल एकदम सब्जेक्ट के नीचे सब्जेक्ट लिखने जा रहा हूँ, वर्ब के नीचे वर्ब, वर्ब के नीचे वर्ब, और ऑब्जेक्ट के नीचे ऑब्जेक्ट। इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट क्या है हमारा, तो लता इज सिंगिंग, ऑब्जेक्ट जानने के लिए व्हाट और हुम से सवाल करते हैं। तो लता इज सिंगिंग व्हाट, लता गा रही हैं क्या, तो क्या का जवाब आएगा अ सॉन्ग, एक गाना, यानी अ सॉन्ग क्या हुआ, ऑब्जेक्ट हुआ। और लता क्या है, यहाँ सब्जेक्ट है। इज क्या है यहाँ पर, तो बी फॉर्म है, और सिंगिंग क्या है, तो ये V4 है, करेक्ट। बहुत आसान है पैसिव, कैसे, ऑब्जेक्ट मिल गया तो ऑब्जेक्ट को हम क्या बनाएंगे, सब्जेक्ट। तो बिल्कुल आप इसे यहीं लिखिए ऐसे, अ सॉन्ग, और ऊपर देखिए इज एक बी फॉर्म है, तो हमें नीचे भी एक बी फॉर्म ही चाहिए, ऊपर बी फॉर्म तो नीचे भी बी फॉर्म। कभी भी यहाँ डू फॉर्म नहीं आएगा, हैव फॉर्म नहीं आएगा, कोई और दूसरा फॉर्म नहीं आएगा, मॉडल वर्ब भी नहीं आएगा, ठीक है। और इसका टाइम हमें जानना है, इसका टाइम क्या है, प्रेजेंट। तो आप देखिए कि प्रेजेंट फॉर्म में हमारे पास क्या क्या लिखे हुए हैं, बी फॉर्म्स, इज एम आर। तो हमेशा हमें क्या ध्यान रखना है, जिस फैमिली का वर्ब लिखा हुआ है उसी फैमिली का वर्ब हम पैसिव वॉइस में भी लिखेंगे। अब आप गौर कीजिए, ऊपर ING नेचर का वर्ब लिखा हुआ है, यानी हमें भी यहाँ V4 यानी ING नेचर का ही वर्ब लिखना है। पहले लिख दीजिए,
इसको समझने की कोशिश कीजिएगा, बहुत आसान है। अब बिलियर्ड्स मेथड, सिंगिंग यहाँ पर मेन वर्ब है क्योंकि लास्ट वर्ब हमेशा मेन वर्ब होता है। इज है फर्स्ट वर्ब, सिंगिंग है लास्ट वर्ब। तो लास्ट वर्ब को हम हमेशा यानी मेन वर्ब को हमेशा क्या करेंगे, हिट करेंगे बिलियर्ड्स की स्टिक से। और ये हिट होने के बाद क्या बन जाएगा, ये V3 बनेगा। तो सिंगिंग का V3 क्या होगा, संग होगा, करेक्ट। और V3 जब हमने यहाँ पर बना दिया तो V3 से पहले हमें क्या चाहिए, बी का चेहरा चाहिए, बी का फॉर्म चाहिए, करेक्ट। यानी बी फॉर्म किस रूप में चाहिए, V4 के रूप में। बी फॉर्म V4 के नेचर में चाहिए, क्यों, सिंगिंग यहाँ पर V4 में लिखा हुआ है, इसलिए नीचे जो हमें बी फॉर्म चाहिए वो भी सिंगिंग के ही नेचर के जैसा चाहिए, यानी V4 में चाहिए। और V4 क्या होता है, आप ऊपर देख सकते हैं, दैट इज़ बीइंग। और इस बी फॉर्म से है, बी की फैमिली से है, तो हमें भी नीचे बी की फैमिली ही सोचनी है। और इस टाइम प्रेजेंट है तो हमें टाइम प्रेजेंट ही यहाँ लिखना है। और प्रेजेंट टाइम में बी फॉर्म्स हमारे पास क्या क्या है, ऊपर देख सकते हैं, V1 और V5 में इज, एम, आर। तो अब सोचिए आप कि अ सॉन्ग के साथ क्या हो सकता है, इज हो सकता है या एम हो सकता है या आर हो सकता है, ऑब्वियस हम जानते हैं कि इज होगा। सो अ सॉन्ग इज बीइंग संग। और अब आप एजेंसी दिखा सकते हैं कि इसको गाने वाली कौन है, तो लता जी है, तो बाई लता, बाई प्रीपोजिशन है, लता ऑब्जेक्ट है। अ सॉन्ग इज बीइंग संग बाई लता। मैं बताने की क्या कोशिश कर रहा हूँ कि बिना टेंस जाने आप वॉइस बना सकते हैं, करेक्ट। क्या मैंने अभी तक एक भी बार टेंस का जिक्र किया है, नहीं किया है। अब आप गौर कीजिए यहाँ पर कुछ ख़ास बात, क्या अभी हमने देखा कि इज बी फॉर्म है तो नीचे हमने भी यहाँ पर इज बी फॉर्म में लिखा। सिंगिंग ING फॉर्म में है तो हमने बींग भी ING फॉर्म में लिखा, और सिंगिंग को हमने थर्ड फॉर्म संग में बदल दिया। तो हमने किया क्या, मेन वर्ब को थर्ड फॉर्म बनाया और इस थर्ड फॉर्म से पहले हमने बी फॉर्म लिखा, करेक्ट। और जिस नेचर का वर्ब ऊपर लिखा है उसी नेचर का वर्ब हम नीचे लिख रहे हैं, यानी वॉइस क्या है, वर्ब के नेचर को मेंटेन करना ही पैसिव वॉइस है, दैट इज इट। ऐसा करने से एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस दोनों के ही मीनिंग नहीं बदलती हैं, और मीनिंग नहीं बदलने का अर्थ क्या है, टाइम नहीं बदला और टेंस नहीं बदला। कैसे, तो इज से प्रेजेंट टाइम, एक्टिव वॉइस में नीचे देखिए इज से प्रेजेंट टाइम, टाइम सेम है, और ING से कंटिन्यूअस टेंस, एक्टिव वॉइस में नीचे देखिए पैसिव वॉइस में भी ING से कंटिन्यूअस टेंस, यानी टाइम और टेंस अगर सेम हमने रख लिया तो मीनिंग अपने आप सेम रहेगी। तो यहाँ पर नोट करने वाली बात क्या आती है कि पैसिव वॉइस में हमें ध्यान क्या रखना है, यहाँ नोट करेंगे हम बात क्या कि एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस इन दोनों की मीनिंग सेम रहनी चाहिए, इन दोनों की मीनिंग बिल्कुल नहीं बदलनी चाहिए, करेक्ट है। तो इन दोनों की क्या चीज़ सेम रहेगी, मीनिंग सेम रहेगी। और मीनिंग सेम कैसे रहेगी, मीनिंग सेम रहेगी टाइम और टेंस को एक जैसा रखने से, बात समझिएगा। अगर ऊपर इस था और हमने अगर वॉज यहाँ लिख दिया होता तो टाइम के सेंस में मीनिंग बदल जाती, जबकि लता तो अभी गाना गा रही हैं तो हम क्या कहेंगे पैसिव में कि एक गाना लता जी के द्वारा अभी गाई जा रही है, ऐसा थोड़ी कह सकते हैं कि कल गाई जा रही थी, ठीक है। एक गाना लता जी के द्वारा कल गाया जा रहा था ऐसा तो नहीं कह सकते, माफ़ कीजिएगा, गाना शब्द पुल्लिंग होता है, तो गाया जा रहा था ऐसा तो नहीं कह सकते, गाया जा रहा है। तो एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस का क्या नहीं बदलता है, तो अर्थ नहीं बदलता है, उसकी मीनिंग नहीं बदलती है। और मीनिंग कब नहीं बदलेगी, जब हम एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस दोनों ही सेंटेंसेस के टाइम और टेंस सेम रखेंगे। तो बिलियर्ड्स मेथड के जरिए आप टाइम और टेंस आसानी से मेंटेन कर सकते हैं।
क्वेश्चन नंबर हम थर्ड की तरफ पढ़ेंगे। कोई भी एक अच्छा सा सेंटेंस ले लेंगे। मान लेते हैं कि मदर हैज कुक्ड फूड। ये सेंटेंस लिखा हुआ है एक्टिव वॉइस में, हमें चेंज करना है पैसिव वॉइस में। मदर हैज कुक्ड, माँ ने पका लिया है क्या, तो क्या का जवाब आएगा फूड, यानी फूड क्या है, ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट को हमें कहाँ लिखना है, पैसिव वॉइस में सबसे आगे रखना है सब्जेक्ट बना के। आप देखिए कि यहाँ हैज़ की फैमिली लिखी हुई है, तो हमें नीचे भी हैज़ की ही फैमिली लिखनी है, बस सेम टाइम में। तो हैज़ का टाइम क्या है, प्रेजेंट, यानी हमें भी नीचे हैव की ही फैमिली का कोई चेहरा चाहिए प्रेजेंट टाइम में। तो हैव का प्रेजेंट टाइम क्या होता है, यानी हैव फैमिली का, हैव फॉर्म का, तो हैज़ और हैव होता है। अब आप सोचिए कि फूड के साथ हम क्या लिख पाएंगे, तो हम हमेशा हैज़ लिख पाएंगे। क्यों, फूड सिंगुलर है, हैव नहीं होगा, हैज़ होगा। हैड क्यों नहीं होगा यहाँ पर, क्योंकि ऊपर हैज़ जो है ये प्रेजेंट में लिखा है, तो हमें भी यहाँ प्रेजेंट वर्ब लिखना है। और हैव फैमिली का चेहरा है, तो नीचे हमें भी हैव फैमिली का ही चेहरा लिखना है। तो बिलियर्ड्स मेथड से चलिए। हमने क्या देखा कि बिलियर्ड्स के स्टिक से हम मेन वर्ब को हमेशा हिट करेंगे, और ये मेन वर्ब हिट होने के बाद V3 में चेंज हो जाता है, करेक्ट। ये V3 आ गया, और V3 से पहले हमें क्या लिखना चाहिए, बी फॉर्म। अब बात यहाँ समझिए, आपको करना क्या है, हमेशा पैसिव वॉइस बनाने के लिए आप मेन वर्ब को हमेशा हिट करके V3 बनाएंगे, और मेन वर्ब के नीचे आप हमेशा बी फॉर्म लिखेंगे, करेक्ट। यही बात करनी है। और जहाँ ये हेल्पिंग वर्ब की बात है, इसके ठीक नीचे आप उसी फैमिली का हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे सेम टाइम में। इतना ही सा करने से पैसिव वॉइस बन जाता है, यही है पैसिव वॉइस। हाउ इजी इट इज। अब गौर कीजिए कि हमने कुक्ड को हिट करके कुक्ड V3 बना दिया, और V3 से पहले हमें बी फॉर्म चाहिए, और बी फॉर्म्स हमारे पास 8 फॉर्म्स हैं, इज एम आर वॉज वर बी बीन बींग, कौन सा लिख दें। तो इनमें से कुछ लिखने का आधार तो होगा, यही मैं कह रहा हूँ तब से, कि हम देखेंगे नेचर। कुक्ड का यहाँ पर मेन वर्ब का नेचर क्या है, तो V3 है, यानी हमें यहाँ पर भी बी फॉर्म का V3 नेचर वाला ही वर्ब लिखना है, हमें नेचर नहीं बदलनी है वर्ब की। और बी फॉर्म का थर्ड फॉर्म क्या होता है, तो ये बीन होता है, करेक्ट। इसलिए यहाँ क्या होगा, बीन। फूड हैज़ बीन कुक्ड बाय मदर, दैट्स इट। हाउ सिंपल इट इज़। आहिस्ता आहिस्ता आसान हो जाएगा, अभी और आप सवाल में बने रहेंगे तो। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, दे विल प्लांट इट। मान लेते हैं कि वे लोग इसे लगाएंगे, यानी पौधे के तौर पर लगाएंगे। समझिएगा बात, दिस सेंटेंस इज इन एक्टिव वॉइस, हमें जाना है पैसिव में। तो वे लोग क्या लगाएंगे, तो क्या का जवाब क्या आएगा, इट आएगा। इट क्या हुआ, ऑब्जेक्ट। दे क्या हुआ, सब्जेक्ट। विल यहाँ क्या है, हेल्पिंग वर्ब, और प्लांट क्या है, मेन वर्ब। तो मेन वर्ब को हम हमेशा क्या करते हैं, मेन वर्ब को हमेशा हम हिट करते हैं, और मेन वर्ब को किस में चेंज करते हैं हम हमेशा, तो थर्ड फॉर्म में। इसको हमने थर्ड फॉर्म में चेंज कर दिया, और इसी मेन वर्ब से नीचे हमें क्या लिखना है भाई, तो बी फॉर्म लिखना है। मेन वर्ब से रिलेटेड दो काम है, मेन वर्ब को थर्ड फॉर्म में चेंज कर दिया, और मेन वर्ब के नीचे ही तुरंत से यहां पर हमें बी फॉर्म सोचना है। लेकिन बी फॉर्म किस नेचर का सोचना है, तो जिस नेचर का ये मेन वर्ब रहेगा उसी नेचर का। यहां पर प्लांट V1 है, तो हमें नीचे यहां पर V1 के ही फॉर्म में बी फॉर्म सोचना है, और बी फॉर्म V1 में क्या होता है, तो बी होगा, यहाँ जनरल फॉर्म, करेक्ट।
अब कहेंगे आप आर क्यों नहीं हुआ, तो किसी हेल्पिंग वर्ब के बाद अगर वी वन लिखा रहे तो उस वी वन का यहाँ नीचे वी वन फॉर्म बी होगा, आर नहीं, ठीक है। और अगर हेल्पिंग वर्ब ना दिया रहे तब आप वी वन का आर फॉर्म लिख सकते हैं। आहिस्ता आहिस्ता बात और समझ में आएगी, अभी मैं सिंपल बोलकर आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। सो दे विल प्लांट इट, तो हम क्या करें, सिंपली मेन वर्ब को वी थ्री बनाया और वी थ्री से पहले बी फॉर्म होना चाहिए। बी फॉर्म लिखने का आधार क्या होगा, तो ऊपर जिस नेचर का वर्ब लिखा होगा उसी नेचर का वर्ब हम बी फॉर्म को लिखेंगे, नीचे लिखेंगे। तो हो गया, बस पैसिव वॉइस बन गया, आसान है। विल है यहाँ पर जो फ्यूचर टाइम बता रहा है, तो यहाँ पर भी हम शैल या विल सोचेंगे, तो विल होगा। क्यों? क्योंकि यही इट अभी सब्जेक्ट यहाँ बनने वाला है, सब्जेक्ट के नीचे हमें सब्जेक्ट लिखना है। दे सब्जेक्ट है एक्टिव वॉइस का, इट सब्जेक्ट है पैसिव वॉइस का, तो सब्जेक्ट के नीचे सब्जेक्ट लिखा इट, और इट के साथ शैल नहीं होता है, विल होता है, इसलिए हमने विल लिख दिया। ऐसा नहीं कि हमने ऊपर से कॉपी किया, ठीक है, हमने इट के मुताबिक लिखा। हाँ, टाइम है फ्यूचर, तो हमें भी टाइम फ्यूचर रखना है, और फ्यूचर टाइम दिखाने के लिए हमारे पास दो ही वर्ब्स हैं, शैल है या तो विल है। तो ध्यान रखिए आप, आई और वी के साथ शैल यूज़ होता है ट्रेडिशनल ग्रामर के मुताबिक, लेकिन इन दिनों तो विल भी इस्तेमाल होता है। और आई और वी को छोड़कर यहाँ कुछ भी अगर आ जाए तो इसके साथ आप विल का इस्तेमाल करेंगे। तो देखिए, इट ना तो आई है ना तो वी है, इसीलिए इसके साथ हमने विल लगाया। इट विल बी प्लांटेड बाई, दे का ऑब्जेक्ट हो जाएगा देम, क्योंकि बाई प्रीपोजिशन है और प्रीपोजिशन के बाद क्या आता है, ऑब्जेक्ट आता है। तो दे तो सब्जेक्ट की तरह इस्तेमाल होता है, करता है, और दे का कर्म कारक क्या होता है, देम होता है, इसीलिए हम यहाँ देम लिख रहे हैं, करेक्ट। अब मैं एक मॉडल वर्ब से आपको क्वेश्चन लेकर दिखाता हूँ कि बन सकता है कि नहीं। छोटा सा एग्जांपल, ही कैन सॉल्व दिस, वह इसे सॉल्व कर सकता है, मान लेते हैं। ही कैन सॉल्व व्हाट, व्हाट का जवाब आएगा दिस, वह सॉल्व कर सकता है क्या, तो इस सवाल को या इसे, तो दिस ही हो गया सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के नीचे हम सब्जेक्ट लिखेंगे, ये सेंटेंस है एक्टिव वॉइस में, क्योंकि हमें एक्टर ही जो है वो एक्टिव दिख रहा है सेंटेंस में। तो हम दिस यहाँ लिखेंगे, सब्जेक्ट के नीचे सब्जेक्ट, वर्ब के नीचे वर्ब, वर्ब के नीचे वर्ब, लेकिन मेन वर्ब के नीचे क्या हमेशा, तो बी फॉर्म, करेक्ट। और मेन वर्ब को क्या करना है, तो हिट करना है, हिट करके क्या इसको बनाना है, तो हमेशा इसको थर्ड फॉर्म बना देना है, दैट इज सॉल्व्ड। और देखिए, थर्ड फॉर्म से पहले क्या होना चाहिए, तो बी फॉर्म होना चाहिए, हमने लिखा भी है, लेकिन बी फॉर्म किस नेचर का होना चाहिए, तो जिस नेचर का मेन वर्ब रहेगा उसी नेचर का बी फॉर्म होगा। तो मेन वर्ब किस नेचर का है, तो मेन वर्ब है अभी वी वन नेचर का, इसलिए हमारा बी फॉर्म भी किस नेचर का होगा, तो वी वन नेचर का होगा, करेक्ट। और देखिए, कैन जैसे हेल्पिंग वर्ब के बाद है, तो यहाँ पर बी फॉर्म हमारे पास दो हो जाते हैं वी वन में, बी और आर खुद, आर नहीं होगा क्योंकि हेल्पिंग वर्ब के बाद आया है ये हमारा मेन वर्ब। हेल्पिंग वर्ब के बाद अगर मेन वर्ब लिखा रहे तो आप याद रखें, ध्यान रखें कि बी लिखेंगे, करेक्ट, जनरल फॉर्म लिखेंगे, स्पेशल फॉर्म नहीं लिखेंगे। और आप मुझे बताइए, कैन का टाइम क्या है, तो कैन का टाइम है प्रेजेंट, करेक्ट। तो कैन के अलावे कोई दूसरा फॉर्म है कैन का जो कि प्रेजेंट टाइम बताता हो, नहीं है। कुड है, वो तो पास्ट बताता है, तो हम मजबूर हैं कैन के टाइम को मेंटेन करने के लिए। तो नीचे चूंकि हमको टाइम मेंटेन करना है, तो कैन का टाइम अगर हम मेंटेन करें तो हमें क्या लिखना पड़ेगा, प्रेजेंट में कैन ही लिखना पड़ेगा। इसीलिए दिस कैन बी सॉल्व्ड बाय हिम एंड दिस इज इन पैसिव वॉइस। आसान है ना, हमने गौर क्या किया कि देखिए, मेन वर्ब को हमने वी थ्री बनाया, हिट करेंगे हमेशा मेन वर्ब को, और उस वी थ्री से पहले उसी मेन वर्ब के नीचे हमेशा हम बी फॉर्म सोचेंगे क्योंकि जगह खाली है, और बी फॉर्म हमारे पास आठ हैं, तो इन आठों वर्ब में से कौन सा लिख दें, तो लिखने का कुछ तो लॉजिक होगा, कुछ तो आधार होगा,
तो हम देखेंगे उसी मेन वर्ब का नेचर क्या है। तो हम देख रहे हैं कि ये वी वन नेचर का है, बस हम बी फॉर्म को भी वी वन नेचर में लिखेंगे और यहाँ होगा बी। और हेल्पिंग वर्ब जो यहाँ हमने लिखा है, इस हेल्पिंग वर्ब को उसके टाइम के मुताबिक हम उसी फैमिली का लिखेंगे। तो यहाँ कैन की फैमिली ऊपर लिखी हुई है, तो यहाँ भी कैन की ही फैमिली होगी, ये हमेशा होगा ऐसा। जिस फैमिली का वर्ब एक्टिव वॉइस में लिखा रहे उसी फैमिली का वर्ब हम पैसिव वॉइस में लिखेंगे, और जिस टाइम में रहे उसी टाइम में लिखेंगे। तो कैन कैन की फैमिली है, हमने नीचे कैन की ही फैमिली लिखा, और कैन से टाइम प्रेजेंट है, तो प्रेजेंट टाइम दिखाने के लिए हमारे पास एकमात्र फॉर्म है, दैट इज कैन, इसीलिए कैन होगा यहाँ पर। दिस कैन बी सॉल्व्ड बाई हिम। इजंट इट इंटरेस्टिंग? आई होप ये आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अब मैं जल्दी से सवाल लिखता हूँ और जल्दी से इसे सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ। मैक्स कुड आंसर इट। मैक्स उस चीज़ का जवाब दे सकता था। मैक्स कुड आंसर व्हाट, व्हाट का जवाब आएगा इट। इट को लिखेंगे हम यहाँ। आंसर यहाँ पर मेन वर्ब है, मेन वर्ब को हम थर्ड फॉर्म बनाएंगे। ये थर्ड फॉर्म बन गया। थर्ड फॉर्म से हमेशा पहले हमें क्या सोचना है, यहाँ पर बी फॉर्म सोचना है। और बी फॉर्म हम किस नेचर का लिखेंगे, जिस नेचर का ये वर्ब होगा। ये वर्ब है वी वन में लिखा हुआ, तो हम भी यहाँ वी वन लिखेंगे। और चूंकि ये देखो हेल्पिंग वर्ब के बाद लिखा है, कुड जैसे हेल्पिंग वर्ब के बाद लिखा है आंसर, जो कि एक मेन वर्ब है, तो किसी हेल्पिंग वर्ब के बाद अगर मेन वर्ब लिखा रहे और उसके लिए हमें वी वन अगर लिखना हो नीचे, तो हम क्या लिखेंगे, बी खुद लिखेंगे, जनरल फॉर्म लिखेंगे वी वन वाला, आर जो कि स्पेशल फॉर्म है वो नहीं लिखेंगे, करेक्ट। सो और कुड के नीचे हमें क्या लिखना पड़ेगा, कुड पास्ट टाइम को दिखाता है, हमें भी नीचे पास्ट टाइम दिखाना है। कुड जो है कैन की फैमिली का हिस्सा है, तो हमें भी नीचे कैन की ही फैमिली का हिस्सा दिखाना है, कैन की फैमिली का एक वर्ब दिखाना है। जिस फैमिली का वर्ब लिखा रहे उसी फैमिली का वर्ब हमेशा हमें नीचे लिखना है, यही तो है पैसिव वॉइस में चेंज करना। और कुड पास्ट दिखा रहा है, इसलिए हमारे पास पास्ट में कुड ही है, इसलिए आंसर होगा इट कुड बी आंसर्ड बाय मैक्स। देखो कितने आप फास्ट हो गए हो, कितनी आसानी से ये सवाल बन रहा है। जैसे क्वेश्चन है हमारे पास, शी ब्रोक इट, या शी ब्रोक द विंडो, मान लेते हैं उसने खिड़की तोड़ दी। शी ब्रोक व्हाट, व्हाट का जवाब आया द विंडो। द विंडो क्या है, ऑब्जेक्ट है, इसलिए हम द विंडो को कहाँ लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे, सब्जेक्ट के नीचे इसको हम सब्जेक्ट बनाकर लिखेंगे। मैं जानकर लकीर डाल रहा हूँ कि हमें इंटरफेयर नहीं करना है वर्ब के नीचे की जगह को, वर्ब ही लिखना है हमें। अब आप ध्यान से समझिएगा, ब्रोक यहाँ पर मेन वर्ब है, क्योंकि एक ही वर्ब अगर सेंटेंस में मौजूद हो तो वही वर्ब मेन वर्ब होता है। तो ब्रोक का हमें थर्ड फॉर्म जानना है, और ब्रोक का थर्ड फॉर्म क्या होता है, ब्रोकन होता है, करेक्ट। और चूंकि ये थर्ड फॉर्म है, तो थर्ड फॉर्म से पहले हमें यहाँ क्या लिखना है, बी फॉर्म लिखना है, क्यों, ये पैसिव की पहचान है, करेक्ट। तो हमें बी फॉर्म लिखना है, लेकिन बी फॉर्म किस नेचर का लिखना है, तो जिस नेचर का ये मेन वर्ब होगा उसी नेचर का। मेन वर्ब वी टू में है, तो हमें यहाँ पर वी टू में ही लिखना है। अब बी फॉर्म का वी टू हमारे पास दो है, वॉज है और वर है, तो यहाँ कौन सा करेक्ट होगा, तो द विंडो के साथ वॉज होगा, क्योंकि द विंडो क्या है, सिंगुलर है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब होता है, इसलिए यहाँ पर वर नहीं होगा, वॉज करेक्ट होगा। यानी हम फाइनली यहाँ क्या लिख सकते हैं, वॉज लिख सकते हैं। सो द विंडो वॉज ब्रोकन, और हम एजेंसी दिखाएंगे तो हम क्या लिखेंगे यहाँ, बाई हर, इसे आप एक जैसा साफ कर दीजिए। तो सिंपल सी बात हमने आखिर यहाँ क्या समझी है, द विंडो वॉज ब्रोकन बाई हर। आप देखें कि हमने बिल्कुल भी टेंस का जिक्र नहीं किया है, और बिना टेंस का जिक्र किए हम सारे वॉइस को बना पा रहे हैं एफर्टलेसली। तो आइए हम अंतिम में आपको रिकैप कर देते हैं कि बिलियर्ड्स मेथड वास्तव में है क्या, अभी तक हमने क्या सीखा है।
बस दो तीन बातों का ध्यान हमें रखना है और हम सारे सवाल बना पाएंगे। ध्यान दीजिएगा, एक्टिव वॉइस में जो भी मेन वर्ब होगा, ठीक, उस मेन वर्ब को आपको हिट करना है और इस मेन वर्ब को आपको V3 में चेंज करना है। रहेगा तो ये अभी भी मेन वर्ब ही, लेकिन हो क्या जाएगा, ये V3 हो जाएगा, करेक्ट। और इसी मेन वर्ब के नीचे हमेशा आपको क्या लिखना है, बी फॉर्म लिखना है, बी फॉर्म। आप देखें कि बी फॉर्म प्लस V3 जैसे ही मिला, यही तो है पैसिव का स्ट्रक्चर, यही तो है पैसिव की पहचान, यही तो है पैसिव की आत्मा, पैसिव की खूबसूरती। बस इतनी ही बात करनी होती है। अब बात ये रही कि हम बी फॉर्म को किस नेचर में लिखेंगे। तो अगर मेन वर्ब हमारा V1 में लिखा है तो बी फॉर्म को भी हम V1 में लिखेंगे। अगर मेन वर्ब हमारा V2 में लिखा है तो हम मेन वर्ब को भी V2 में लिखेंगे। अगर मेन वर्ब हमारा V3 में लिखा है तो हम नीचे बी फॉर्म को भी V3 में लिखेंगे। अगर मेन वर्ब हमारा V4 में है तो हम बी फॉर्म को भी V4 में लिखेंगे। अगर हम मेन वर्ब V5 में देख रहे हैं तो हम यहाँ बी फॉर्म भी V5 में लिखेंगे, करेक्ट। एक बात मैं आपको यहाँ सजेस्ट करूँगा कि अगर मेन वर्ब यहाँ पर V5 में आपको दिखे तो आप यहाँ पर V5 भी सोचिएगा या V1 भी सोचिएगा, क्योंकि यहाँ आने वाला जो सब्जेक्ट है पैसिव वॉइस में, वो अगर सिंगुलर हुआ, अगर ये सिंगुलर हुआ तब तो यहाँ पर V5 होगा क्योंकि V5 सिंगुलर होता है, लेकिन अगर ये आने वाला सब्जेक्ट प्लूरल हुआ तब तो इसके साथ V1 लगेगा क्योंकि V1 प्लूरल होता है। बस इतनी ही बात है, उलझना कहीं नहीं है, इट्स वेरी सिंपल। तो जिस नेचर का ये वर्ब होगा उसी नेचर का हम वर्ब यहाँ पर बी फॉर्म में लिखेंगे। अगर V1 है तो V1, V2 है तो V2, V3 है तो V3 एंड सो ऑन, करेक्ट। यही है बिलियर्ड्स मेथड। मुझे बहुत उम्मीद है कि आपने इसे बेशक बहुत अच्छे से समझा होगा, सीखा होगा। दोबारा देखने और समझने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप इसे देखें, समझें और अपने अच्छे कमेंट्स नीचे लिखें। आप और किस विषय पर मुझसे और कौन से वीडियोस चाहते हैं इसके बारे में अपनी सलाह दे सकते हैं, सदर आमंत्रित हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, कीप लर्निंग। जय भारत, जय हिंद।